बिहार में रणधीर शर्मा अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, तो आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट्स में रणधीर शर्मा के लिए जो टीम बनेगी, आपके डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी, उसके ट्रायल्स कब होगी। क्योंकि जब किसी भी स्टेट का कोई टूर्नामेंट होता है उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। वैसे मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बनाया है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ट्रायल किस तरीके से कराता है, लेकिन आपकी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने इस पर भी मैंने सोचा कि वीडियो बनाना चाहिए कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन किस तरीके से ट्रायल कंडक्ट कराता है। क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पर सर्कुलेट होते हुए देखा जिसमें वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से ओपन ट्रायल के रजिस्ट्रेशन के बारे में, अंडर 19, अंडर 16 या अंडर 14 के ट्रायल्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में वीडियो बना रहे थे। उसमें उन्होंने थोड़ा सा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी जिसको मैंने सोचा कि मैं क्लैरिफाई कर दूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा था बिहार में लीग्ड बेस्ड पे ट्रायल होते हैं, मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की अपनी लीग होती है, चाहे अंडर 16 की हो, चाहे अंडर 14 की हो, चाहे अंडर 19 की हो, चाहे ओपन कैटेगरी की हो। उन लीग्स में जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं वो उन्हीं के परफॉर्मेंस के आधार पे डिस्ट्रिक्ट टीम बनती है। और ट्रायल्स भी अगर होते हैं तो उन्हीं में जो टॉप परफॉर्मर होंगे, अब आप सपोज कीजिए कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने ये टारगेट रखा था कि जो प्लेयर्स 60 रन के ऊपर बनाएंगे उस टूर्नामेंट में, एक या दो लीग मैच में, आप 4 या 5 विकेट से ज़्यादा लेंगे, या जो ऑलराउंडर हैं वो 50 रन बनाएंगे, 2 विकेट लेंगे, वो हमारे फाइनल ट्रायल्स जो अंडर 19 या 16 का होगा उसके लिए एलिजिबल होंगे। और कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो लीग नहीं कराती वही सिर्फ ट्रायल कंडक्ट कराती है, लेकिन कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन रहती हैं जो किन्हीं कारणवश लीग नहीं करा पाती, वो ट्रायल कंडक्ट कराती हैं, तो उसमें कोई भी प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो रणधीर वर्मा टूर्नामेंट बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का होने वाला है 17 तारीख को, मतलब कल ट्रायल है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से। तो आप देख सकते हैं उनका वर्ड है कि कोई भी प्लेयर अंडर 19 का हो, जो अंडर 19 का एलिजिबल हो, वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। सिर्फ समस्तीपुर और 2-4 ऐसे और डिस्ट्रिक्ट होंगे जो लीग नहीं करा पाए होंगे वही ट्रायल कंडक्ट करा रहे हैं। बाकी अगर आपने बिहार से लीग नहीं खेला है तो आप इन ट्रायल्स में ओपन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लीग कराती है। मतलब आप समझ गए हैं, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 लीग होती है होगी तो उसके परफॉर्मेंस में जो टॉप परफॉर्मर होंगे उन्हीं के ट्रायल्स होंगे। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में लीग नहीं होती, जैसे समस्तीपुर में लीग नहीं हुआ था, तो उसमें ओपन ट्रायल होंगे, जितने भी प्लेयर एलिजिबल हैं वो ट्रायल दे सकते हैं। जैसे अगर आप अंडर 19 के हैं, अंडर 19 के नीचे हैं, तो कल समस्तीपुर जाकर आप, जो मैं नंबर भी लिख दे रहा हूँ, उनका नंबर भी दे रहा हूँ सतीश कुमार जी का, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपका कलेक्ट करेंगे और ट्रायल्स कराएंगे। 9 बजे है वेन्यू, भी मैं फोटो में आप देख सकते हैं वेन्यू है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि बिहार में जो ट्रायल्स होते हैं वो लीग बेस्ड पे होते हैं, ना कि ओपन ट्रायल्स होते हैं। हाँ, कुछ जगह ओपन होते हैं जहाँ लीग्ड नहीं होते, जैसे समस्तीपुर हुआ तो वहाँ लीग नहीं हुआ था, इसलिए जो रणधीर वर्मा के लिए टूर्नामेंट बन रहा है अंडर 19 ट्रॉफी के लिए, उसमें वो ओपन ट्रायल करा रहे हैं। तो आप इस बात में ना जाए कि अगर बिहार में एक फॉर्म भर के आप दे सकते हैं, बिहार में बाकायदे फॉर्म भरे जाते हैं लेकिन वो क्लब बेस्ड पे टूर्नामेंट होते हैं या लीग बेस्ड पे होते हैं, उसकी भी टाइम टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, अगर आप बिहार से खेलना चाहते हैं तो जिस डिस्ट्रिक्ट में एफिलिएटेड क्लब है उन एफिलिएटेड क्लब से आप कॉन्टेक्ट करना होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ बिहार क्रिकेट का, कुछ ऐसे भी क्लब हैं जो ग्राउंड पे नहीं चलते, सिर्फ एफिलिएटेड हैं, वहाँ प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, मतलब प्रैक्टिस कहीं बाहर से करना है, तो आप उन क्लबों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से एक बार कॉन्टेक्ट कर लें कि एफिलिएटेड क्लब कौन कौन से हैं। तो आप इस बात में ना जाएं जैसे यूपी में होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद एक डेट पे ट्रायल पे बुलाया जाएगा, ऐसी चीज़ें बिहार में नहीं होती। बिहार में लीग बेस्ड पे ट्रायल होता है, तो समस्तीपुर का ट्रायल कल है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ट्रायल हो चुके हैं, और जहां ओपन ट्रायल नहीं था, लीग बेस्ड पे जो टॉप परफॉर्मर थे उनका ट्रायल था, उनका भी फोटो मैं एक दो डिस्ट्रिक्ट का लगा दे रहा हूँ जो 14 तारीख का था, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान दें कि जैसे सेम इसी तरीके से दिल्ली में भी होते हैं कि दिल्ली में DDCA से एफिलिएटेड जो क्लब होते हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ट्रायल्स होते हैं, ना कि ओपन ट्रायल्स होते हैं।
ठीक इसी तरीके से एमपी में भी यही सिस्टम है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है जो लीग नहीं कराती वो ओपन ट्रायल कराती है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है उनकी एफिलिएटेड क्लब है, पहले वहाँ आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेलना पड़ेगा, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है, फिर डिवीजन की टीम बनती है, तब अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो यहाँ ओपन ट्रायल्स नहीं होते बिहार में, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के ओपन ट्रायल होते हैं जहाँ लीग बेस पे ट्रायल नहीं होता। और कोई भी और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी क्वेरी डाउट अपने पूछिए, हम जरूर क्लियर करेंगे। इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ जरूर जुड़े हमारे साथ।